Hello everyone, I'm Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy and Mockzone. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for CMAT 2021 exam, because I'm going to discuss about the GK preparation. So I will be discussing about the 20 must do GK topics in 10 days. Guys, ये video वाकई बहुत important होने वाला है, because यहाँ पे मैं जो 20 topics बताऊंगा आपको, वो topics मैंने analyze किए CMAT के 3-4 साल के papers उससे मैंने निकाले हैं, और वो topics काफी अच्छे हैं. ठीक है, उनको आपने अगर 10 दिन में कर लिया तो ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी इफ यू गेट 70 प्लस इन जीके. हो सकता है गैस स्ट्रक्चरल स्टडी में हमेशा बोलते हैं इंपॉर्टेंट होती है, ये मैटर नहीं करता आप कब स्टार्ट कर रहे हो. अगर आपने वाकई सही टॉपिक्स चुने और उसको अच्छे से पढ़ा है सही मटेरियल से, तो आपका हो जाएगा. काफी लोग गलती करते हैं, काफी लोग बहुत ही अनस्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, जो भी पीडीएफ ग्रुप में आगे पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता जीके. आप कभी नहीं खत्म कर पाओगे जी, बिकॉज जीके इज इनफिनाइट. बट आपको ये पता चल गया कि पढ़ना क्या एक्चुअली, तो आप आराम से कर लोगे, आपके नंबर भी आएंगे, और ऐसा होता है. ठीक है, जरूर से यार वीडियो देखना गाइस, क्योंकि यार वीडियो में हम लोग काफी कुछ बात करने वाले हैं, स्ट्रेटेजी बताएंगे, फिर आपके लिए बहुत बड़ी ऑफर भी है. ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना आपके लिए अच्छा रहेगा. लाइक कर दो वीडियो को जरूर से, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को जरूर से, बिकॉज डेली जीके की वीडियोज बनने वाले हैं टिल सीमैट एग्जाम. यार वीडियो यार चैनल आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे मैं काफी वीडियोज बनाने वाला हूँ. कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब. चलो गाइस लेट्स स्टार्ट. तो गाइस एक एक करके टॉपिक देखें हम लोग, और आपको टाइम जो देना है पर डे जीके के लिए, अब आपको देना है मिनिमम 5 आवर्स. एक दिन में आपको डेली 5 घंटे देना है, क्योंकि आई नो कि यहाँ पे जो सीमैट की तैयारी कर रहा है उसने कोई ना कोई एग्जाम दिया होगा, उसको क्वांट्स एलआरडी या वीआरसी थोड़ी बहुत आती होगी. और सीमैट में सबसे अच्छी बात क्या कि टाइम आपको ज्यादा मिलता है और लेवल ऑफ क्वेश्चन कम होता है, तो आप कर लोगे. वो जीके इज ओनली द गेम चेंजर जो आपको जेबीआईएमएस पहुंचाएगा. ठीक है, वो आप करो अलग से, बट आपको जीके के लिए मिनिमम 5 घंटे देने का, अगर वाकई आपको जाना है जेबीआईएमएस तो. और 5 घंटे को दे सकते हो इस टाइम पे, मैं मानूंगा पढ़ ही रहो पूरे टाइम. ठीक है, अपने नेसेसरी काम करने के अलावा पढ़ ही रहोगे आप. ठीक है, 5 घंटे मिनिमम दो आप. ठीक है, तो गाइस पहला जो टॉपिक है वो नेशनल पार्क्स डैम्स एंड हिल स्टेशन. जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स डैम्स एंड हिल स्टेशन, उसको अच्छे से आप पढ़ो गाइस. रिसोर्सेज आप कौन से पढ़ रहे हो, आपके कोई आपने अगर जीके कोर्स ले रखा है या फिर कोई बुक है उससे आप पढ़ो, जैसे ही पढ़ो बस आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है. ठीक है, देन वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सी पोर्ट्स. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है मेन स्टेट कौन सा है, एंड सी पोर्ट्स जो है इंपॉर्टेंट, वो पढ़ो आप. ठीक है, अच्छे से पढ़ो. थर्ड, ब्रांड्स, उनकी पैरेंट कंपनीज, जैसे डेटॉल किसका है, रखिए बेनकाइजर का, टैगलाइन जो होती है उसकी, और एम्बेसडर्स. ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट कार ब्रांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आ चुके हैं अभी. ठीक है, कार ब्रांड्स भी आ चुके हैं. ठीक है, जैसे मान लो क्विड किसकी कंपनी, किस कंपनी की है, रेनॉल्ट की है क्विड, ऐसे करके. तो ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, 4 आपको दे देगा ब्रांडेड कंपनीज और 4 उनके वो गाड़ी के ब्रांड दे देगा, पैरेंट कंपनी और गाड़ी के ब्रांड. ठीक है, ऐसे. तो ये ठीक है गाइस, देखा जाए तो अगर जीके रटना कोई बहुत वैसा नहीं, बस आपको कंसंट्रेशन चाहिए. जब आप जीके पढ़ो तो आप कुछ मत करो, मोबाइल को अपना ऑफ करके रख दो अंदर, ठीक है, अलमारी में. ठीक है, कई बार होता है डिस्ट्रैक्ट कर जाते हो आप, मोबाइल से पढ़ते हो, मोबाइल को मैसेज आता है फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा मत करो. ठीक, कोई और तरीका अपनाओ उसका, क्योंकि अगर आप नेशनल पार्क उठाओ, अगर आप 1 घंटा रटो उसको, रट लोगे पूरा आराम से, बट वही कि आप कंसंट्रेट नहीं हो पाते ना उसमें. तो आपको गाइस ये टॉपिक्स में ध्यान देना है पूरा अच्छे से. आगे मैं और बातें करूंगा, पहले टॉपिक्स देख लेते हैं. कैपिटल्स एंड करेंसीज, इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स गाइस, ये इंपॉर्टेंट बहुत है. आपको काफी ट्रिक्स वगैरह भी आपके पास होंगी कैपिटल करेंसीज कैसे करते हैं. ठीक है, क्या क्या होती है, क्योंकि काफी काफी करेंसीज जो बेसिकली हैं वो एक करेंसी कई सिटीज कंट्रीज की है, ऐसा है. ठीक है, इंपॉर्टेंट म्यूजियम्स देख लो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इंडियन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी. इंडियन के भी नाबार्ड कहाँ पे है, और आपका SEBI कहाँ पे है, SEBI, फिर इंटरनेशनल में IMF हो गया, आपके बहुत सारे हो गए, WTO, WHO, ये सब. तो अच्छे से कर लो उसको, कहाँ पे कौन सा है? आ जाता है गैस. सबसे अच्छी बात क्या है कि सीमैट में मैं देख रहा था पेपर इजी आता है बाकी गैस, टेस्ट लेवल का जीके टेस्ट का अगर 10 है तो इसका 1 है मैं मानूंगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसी चीजें पूछी गई जो आपको आती होंगी, ऐसा नहीं पूछ सकते बहुत वियर्ड पूछी गई है, मतलब कोई भी कर सकता है. 2 साल के अगर देखे मैंने, 2-3 साल के, तो इजी इजी चीज थी, नॉर्मल चीज थी. ठीक है, एक जो कुछ हुआ था, इंसिडेंट हो गया था ना दशहरा वाला दिन, 61 लोग खत्म हो गए थे, बिल्कुल न्यूज में कितना आया था वही पूछ लिया, कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में हुआ था वो. तो ऐसी बिल्कुल चीजें जो आपको न्यूज में दिखती है, आज तक में दिखती है, वो सब पूछी गई है. तो काफी ईजी है बताऊँ मैं तो. ठीक है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स एंड डांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पढ़ लो अच्छे से, कौन कौन से स्टेट से कौन से फेस्टिवल्स हैं, कौन कौन से डांसेस हैं, ये सब चीज आपको कभी चेंज नहीं हो सकती, मिलती रहती है. बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे मैं आपको PhD करने के लिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक का, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने ड्राफ्ट किया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फिर MN रॉय वगैरह हैं, स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन का था, लोकसभा में सीटें कितनी है, राज्यसभा में सीटें कितनी है, एंग्लो इंडियंस वगैरह जो काफी कुछ होता है, पार्लियामेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लो. ठीक है, इससे रिलेटेड जितना भी है बेसिक अच्छे से कर लो. ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, बट इतना करना है कि आप कर लो, ज्यादा टफ आता भी नहीं है. बैटल्स एंड इवेंट्स, पेंटिंग्स एंड पेंटर्स,
बैटल्स एंड इवेंट्स मतलब जितने भी आपके इवेंट्स हुए हैं, बैटल्स हुए हैं, जलियांवाला बाग मास्केर, ठीक है, उसके बाद फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके बाद थोड़ा पढ़ लो और डेट पढ़ लो, डेट तो पढ़ी लो, फिर बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लाजी, ये सब पढ़ लो, पेंटिंग्स एंड पेंटर्स मेन में पढ़ लो, ठीक है, लियोनार्डो द विंसी की कौन सी पेंटिंग है, ये सब, ठीक है, बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ लो। गैस लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था बैंक हिस्ट्री में कि सेकंड टाइम नेशनलाइजेशन में कौन कितने बैंक्स आए थे, ठीक है, हमने वीडियो बनाया भी है इस पर, ठीक है, टैगलाइंस पढ़ो बैंक की एंड उसके हेडक्वार्टर्स पढ़ो, ये वीडियो बनाया इस पर मैंने एक। एमडी एंड सीईओस ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमडी एंड सीईओस, ठीक है, ये पढ़ो, ठीक है, देन वी हैव मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, 2 साल की पढ़ो, मर्जर्स एक्विजिशन आ जाते हैं गाइस, लेटेस्ट वाले भी आ सकता है, आकाश को भी एक्वायर किया है बायजूस ने, आकाश एजुकेशन सर्विसेज, आई आई टी एडब्ल्यू एंड मेडिकल कोचिंग चलाती है, ठीक है, तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पढ़ो 2 साल की एटलीस्ट, ठीक है, देन वी हैव सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, ये पढ़ो, जैसे लार्जेस्ट लेक, आर्टिफिशियल लेक, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, ये सब पढ़ो, उसके अलावा स्पोर्ट के टर्म्स पढ़ लो, गाइस आ जाता है ये कि कोई भी चीज पूछ ली ये किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, ये सब पढ़ लो, काफी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी, ऐसे नहीं आपको सब कुछ पढ़ना है ऐसे, ठीक है, आपको रिविजन ही करना होगा, तो ये ऑर्डर जो है ये अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर लो कि आपको क्या पहले पढ़ना है क्या पढ़ना, क्योंकि हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, अगर आपको बाकी 70+ लाना है तो। गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ लो गाइस, ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, पॉलिसीज एंड समिट्स, पॉलिसीज पढ़ लो, एग्जाम पॉलिसी कौन करता है ये सब बहुत आता है कि कौन सी मिनिस्ट्री करती है ऐसा करके, ठीक है, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, G4, G7, सार्क, ये दुनिया भर के जो होते हैं इनको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, एशियन वगैरह कब हुए थे, कहाँ हुए थे, ये सब, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ लो, इंपॉर्टेंट वाले पढ़ लो, एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ लो कि अभी रिसेंटली अवार्ड्स किसको मिले हैं, उसके अलावा जो बुकर प्राइज होता है ये किसके लिए होता है, इस तरह के अवार्ड जरूर से पढ़ लो, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में किसको किसको मिला वो पढ़ लो अच्छे से, और भारत रत्न कब दिया जाता है ये सब पढ़ लो, और किसको इनमें से नहीं मिला भारत रत्न ऐसा कुछ, ये सब पढ़ लो गाइस, पढ़ना बहुत है, ये मैं बोल रहा हूँ 5 घंटे दिन में देने आपको मिनिमम, अगर आप जाओ तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ लो, इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज मतलब 49th पैरेलल लाइन, ये सब नहीं होता जो, और भी जितना भी होता है इस तरह का, वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में थोड़ा पढ़ लो कि जो जो है कि उनका कौन मेन है हेड वगैरह, ठीक है, इसे पढ़ लो एक बार आ जाता है कुछ, लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन आ गया था एमडी एमके का फुल फॉर्म क्या है, पॉलिटिकल पार्टी कोई, ठीक है, तो इस तरह का आ सकता है। जनरल साइंस गैस अच्छे से कर लो, जनरल साइंस फिजिक्स को बेसिक चीज कर लो, जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाला मैंने 50-50 का क्वेश्चन बना भी दिए, 150 क्वेश्चन तो वही होगा, वही पहले पढ़ लो आप, वीडियो देखो आप, फिजिक्स पढ़ लो, फिर केमिस्ट्री में आप मेन चीजें पढ़ लो कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, फिर बायोलॉजी में आप पढ़ लो विटामिन वगैरह के बारे में पढ़ लो बायोलॉजी में, ठीक है, और भी बेसिक चीजें होती हैं उसे पढ़ लो। कंट्री रियल एंड निक नेम, कंट्रीज का रियल एंड निक नेम पढ़ लो, आ जाते हैं इस तरह क्वेश्चन, पार्लियामेंट एंड उनकी कंट्रीज के बारे में पढ़ लो कि कौन से पार्लियामेंट, हर कंट्री के पार्लियामेंट का नाम अलग होता है ना, तो वो पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, देन कोविड-19 के रिलेटेड करंट अफेयर्स जो है, कोविड-19 पूरे साल चल रहा है तो उसके बारे में पढ़ लो, ये सब कोवैक्सीन जितने भी आपकी वो हैं, हाँ जितनी भी अभी तक इंडिया की हैं कोवैक्सीन, ये जितनी वैक्सीनेशन वाली है कंपनी सबके बारे में पढ़ लो, कब कौन सी कंपनी है, आ सकता है क्वेश्चन तो पक्का आएगा, कोवैक्सीन कहाँ की है, ठीक है, और सेरम इंस्टीट्यूट का किससे टाई है भाई, ये सब पढ़ लो, मैंने एक वीडियो बनाया भी था कोविड-19 पे, बट मैं अभी बनाऊंगा, ठीक है। सिटी स्टेट फॉर विच इज फेमस फॉर, लास्ट ईयर आ गया था चिकन एम्ब्रॉयडरी, किस सिटी की इंपॉर्टेंट फेमस है, बहुत ईजी है, लखनऊ सबको पता होगा। बिजनेस अवेयरनेस हाईलाइट्स पढ़ लो, ठीक है, तो गाइस ये है मेन मेन, बाकी आने को तो बहुत कुछ आ सकता है, बट ये मेन है, इतना ही आपने, इतना ये कम नहीं है, बहुत है ये, ठीक है, आप 5-6 घंटे डेली दो अच्छे से लग के दो गाइस, टाइम बर्बाद मत करो अपना ग्रुप्स वगैरह में गैस, देखो एमसीक्यू क्वेश्चन तुम 1 करोड़ बना लो तो भी नहीं पढ़ पाओगे, एमसीक्यू क्वेश्चन के भरोसे मत रहो, ये कोर चीजें पढ़ोगे ना अपने आप हो जाएगा सब कुछ, एमसीक्यू क्वेश्चन तो आप इनफाइनाइट बना सकते हो, आज के दिन के हम बना सकते हैं 50,000 क्वेश्चन एमसीक्यू में, ठीक है, तो वो सब बात के लिए क्विक रिव्यू होता है, बट कोर चीज पढ़ोगे तो आपको हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है, जैसे आपने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स एंड डांसेस पढ़ लिए अच्छे से, फिर जितने भी एमसीक्यू बना लो कर लोगे, तो मेन चीज ये, ठीक है, और ग्रुप्स वगैरह पे बहुत कम टाइम दो, मेन टाइम अपना आप काम पढ़ाई पे दो, मैंने आपको बताया था गैस पूरा खेल बदल जाता है, सच बता रहा हूँ आपको, आपको लग रहा है कि बहुत लाइटली ले रहे हैं, काफी बच्चे की सीमेंट पे कहाँ से हो जाएगा, जो हुआ नहीं, बंदे हैं ऐसे जिनका कैट में 66 था, सीमेंट में 100 आया, जेबीआई में चले गए, कैट में 52 था, 99.8 आया, एमएमएस से कोई कॉलेज ले लिया, हो जाता है, बाकी 3 सेक्शन तो अच्छे से करो ही आप, तो गैस आपको अगर टारगेट करना है तो आप बाकी 3 सेक्शन में यू टारगेट 270, क्वांट्स में 95, एलआर में 90 एंड ऐसे कुछ 85 करके इंग्लिश में टारगेट करो 80-85, ठीक है, बाकी आप यहाँ पे 70 नंबर टारगेट करो, 70+2 70 340, इतना आसान नहीं बोलना जितना करना है मैं मानता हूँ, बट स्टिल कर सकते हो अगर आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा, तो ये 5 घंटे आप डेली दो, मैं 20 दिन का लेके चल रहा हूँ, मतलब 10 दिन का लेके चल रहा हूँ, 20 तारीख तक, क्या 27 को एग्जाम हो तो आपके लिए कितना टाइम हो जाएगा, रटते रहो, ठीक है। गाइस जिन लोगों ने GK for MBA कोर्स लिया है,
90% चीज़ें आपके पोर्टल में ऑलरेडी हैं, कुछ चीज़ें नहीं है तो कल से वो ऐड होंगी। डेली मैं वीडियोस डेली बनाने वाला हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर मिल चुका है अच्छे से। अब क्या क्या किस पे फोकस करना है, इन्हीं में ही फोकस करना है बस। तो जो जो चीज़ें पोर्टल में नहीं है या जो जो चीज़ें क्लियर नहीं है, जैसे कल वीडियो आने वाला है कार्स एंड ब्रांड्स के ऊपर, इसके बाद आपको वाला वीडियो देखने के बाद आपको कोई कार का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है, समझ लो। ऐसे और लगातार वीडियोज आएंगे आप पूरे सीमेट तक, ठीक है। तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, कुछ वीडियोज खुले होंगे, कुछ वीडियोज जीके वालों के लिए होंगे, ठीक है, वो देख लेंगे। बाकी जो ऑफर की बात करेंगे, एक बहुत बड़ी ऑफर है, काफी लोग यही सोच रहे होंगे यार कि ये सब करना तो है बट कहाँ से करें, नेट से तो कहीं भी गलत भी दे रहता है, कहीं पे मिलता नहीं सब कुछ। तो गाइज एज यू नो कि वी हैव सीमेट मॉक्स, हम लोग की सीमेट मॉक्स काफी रिलेवेंट है, थोड़ा लेवल ऊपर है, ताकि आप सेफ साइड रहो। ऑलरेडी आप देख चुके हो कैसे कैसे कट ऑफ जा रहे हैं, इस बार 240 हम लोग मुंबई समझते थे, एग्जाम भी 240 गया है, तो अब काफी डर लग रहा है लोगों को। तो 10 फुल लेंथ मॉक्स हैं, बहुत अच्छे मॉक्स हैं, लेवल अच्छा है, 240 प्लस अगर आपका आ रहा है तो 99 प्लस आप रहो, और 285 90 प्लस आ रहा है तो आपका आराम से मेरे ख्याल से आना चाहिए, JBIMS का कट ऑफ क्लियर होना चाहिए आपका 290 प्लस, ये लेवल अच्छा है, ठीक है। बाकी 4 लेयर डेप्थ एनालिसिस या डिटेल सोल्यूशन है सबका, ठीक है। 799 खाली कॉस्ट है गाइस इसकी, और पेमेंट करते साथ ही आपका एक्टिव हो जाएगा। सबसे अच्छा एसेंशियल पैक है 10 फुल लेंथ मॉक्स, 153 ड्रॉपी टेस्ट है। ये ड्रॉपी टेस्ट ऐसा नहीं है आप खत्म नहीं कर पाओगे, बहुत ईजी ड्रॉप, बहुत अच्छे ड्यूरेशन के हैं, 10 मिनट के ड्रॉपी टेस्ट है और 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो आप आराम से जल्दी करके पूरा आपको रिविजन हो जाएगा और आपके आगे के एग्जाम से भी काम आएंगे, लाइक CET वगैरह। सी कॉस्ट 1199। जो ऑफर है गाइस वो ये है कि अगर आप इनमें से कोई बैक लेते हो तो GK फॉर MBA, जो GK कोर्स हम लोग का जिसमें 375 बच्चे अराउंड एनरोल्ड है, वो जो 499 का है आपको मिलेगा 299 का। ये जितना भी है आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं, फिर उससे आपको बढ़ना है बस। कोई भी डाउट आता है आप मुझे पिंग करो, कोई आपको लगता है कोई फाइल नहीं है, कुछ ज्यादा चाहिए आपको, आपको मुझे पिंग करो, आपके अगले दिन या उसी दिन आपको PDF मिलेगी, आपको वीडियो मिलेगा उस पर, ठीक है, क्योंकि मैं इस पर काम करने वाला हूँ कल से। बिकॉज हम लोग के पास इस टाइम पे करीब 200 बच्चे हैं जो सीमेंट दे रहे हैं, सो वी वॉन्ट देम कि उनका अच्छा स्कोर आए, तो हम लोग लगने वाले हैं अच्छे से। अभी भी हम लोग कर ही रहे थे GK, जो GK 4 MBA कोर्स से बता देता हूँ उसके बारे में। इसमें पूरा स्टैटिक GK हैंडआउट्स, करंट अफेयर्स हैंडआउट्स, टॉपिक टेस्ट, पेटीएम कॉन्टेस्ट होते हैं वो ऑलरेडी लगे हुए हैं, पेटीएम कॉन्टेस्ट और भी होंगे, बाकी सेक्शनल टेस्ट हैं, टिस्क के 5, टिस्मैट के 5, सीमैट के 5, सब कुछ है, तो इट इज मोर देन इनफ है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये बेसिकली है गाइस, तो अच्छे से करो उसको, अगर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है देन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, अगर आपको कोई डाउट आता है देन यू कैन पिंग डायरेक्टली एट 8604734785। और एक इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम ग्रुप टेस्ट जो सीमैट का उसको जरूर ज्वाइन कर लेना गाइस, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे काफी बच्चे हैं जो सिंसियर हैं, वो क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं पूरे टाइम, आजकल कोई स्पैमिंग नहीं हो रही है, सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो रहे हैं पोस्ट, काफी कुछ वगैरह हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप लोग करोगे आपका फायदा रहेगा, ठीक है। बट मेन चीज ये गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, इस टाइम पे टाइम पास प्लीज मत करो, आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो गाइस, ऑल दिस वाज ऑल ओवर द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।